एहसान है शाह साहब का, और आपने भर वक्त मदद की और क़िरत को, बल्कि हम सबको बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज, इन फूलों के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे वाज बेटा, आओ हाशिम साहब से मिलो। मुबारक हो। डैड बता रहे थे कि बच्चा मिल गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, शाह साहब ने बड़ी मदद की। ओके डैड, मैं निकलता हूं। वो दरअसल अगले हफ्ते इसकी मंगनी है, इसलिए बहुत बिजी है, कभी शॉपिंग कभी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग भी जरूर आइएगा मंगनी में इंशाल्लाह। अरे वाज, वो डिजाइनर से अपना सूट जरूर ले लेना। या श्योर। ओके डैड, बाय बाय। ये भी अंदर ले जाओ। लगता है पूरी मार्केट उठा के ले आया दोनों। मेरी बेटी की मंगनी है, फायजा हसन की बेटी की। मामा, आपने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लिया, सारी शॉपिंग वहाज के लिए की आपने। कम ऑन स्वीटहार्ट, कल तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेंगे। चले वहाज, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी शॉपिंग दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरा वक्त इन चीजों से ज्यादा कीमती है, ऐसे बेकार के कामों में ऐसे जाया नहीं कर सकता मैं। बाय। मॉम, देखा आपने, ये हमेशा ऐसे ही बात करता है, मुझे लगता है इसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन बेबी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलें। ये गाड़ी किसकी खड़ी है? पता नहीं, अंदर चलें पता करते हैं। मामा घर पर होती तो आपसे जरूर मिलती। अच्छा, कहाँ गई हो? आपको तो पता है, बस इनविटेशंस बांटती फिर रही होंगी कहीं। खवातीन को किसी फंक्शन का पता चल जाए तो घर में सिर्फ बातें या तो शॉपिंग की होती हैं या फिर इनविटेशन का जिक्र। एक पर्सनल सा सवाल है, प्लान्स क्या हैं आपके? मेरा मतलब है जॉब वगैरह की, क्योंकि अब स्कूल की जॉब तो आपकी रही नहीं। जी अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन करूंगी कुछ। चाचू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किरत को अपने ऑफिस में एडजस्ट कर लें? वेरी गुड बेटा, वैसे भी हमारे ऑफिस में वैकेंसी है। देखिए, मुझे लगता है कि क़िरत ऑफिस जॉब नहीं कर सकेंगी। अरे भाई, आखिर क्यों नहीं कर सकेंगी? ज़हीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, क्यों मिस क़िरत? जी पता नहीं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ आज तक किसी लड़की ने ऑफिस जॉब की नहीं। आज तक नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी नहीं कर सकती। हाशिम साहब, आप घर जाके सोच लीजिएगा। आप इतने सालों से हमारे इदारे के साथ मुंसलिक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे ऑफिस का माहौल कितना अच्छा है। जी, और ये भी जानते हैं कि हम अपने एम्प्लॉइज का कितना ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हेलो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक मुजरिम पकड़ा गया, और उम्मीद करता हूँ कि दूसरा भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। थैंक यू। थाने से फोन था, एक मुजरिम तो पकड़ा गया और दूसरा भी जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई कि आखिर बच्चे को किडनैप करने की असल वजह क्या है।